भारत ने अंतरिक्ष में एक और लंबी छलांग लगाई। पहली बार देश में बने दोबारा इस्तेमाल होने वाले स्पेस शटल RLV-TD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट को पहुंचाना और फिर धरती पर लौट आना है। ये स्पेस शटल पूरी तरह देशी है, इसे इसरो ने देश में ही निर्मित किया है। स्पेस शटल RLV-TD का वजन 11 टन है और इसकी लंबाई 9 मीटर है। कप्तान विराट कोहली की धमाकेदार हाफ सेंचुरी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 6 विकेट से परास्त कर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। करो या मरो के मुकाबले में दिल्ली के 139 रनों का पीछा करने उतरी बैंगलोर ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। बैंगलोर की पारी में विराट कोहली की मास्टर ब्लास्टर वाली पारी रही। विराट ने 45 गेंदों में 54 रन बनाए। इस जीत के बाद बैंगलोर ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि इस हार से दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। दोनों टीमों के 14-14 अंक थे, लेकिन जीत के बाद बैंगलोर के 16 हो गए। सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 22 रनों से मात दे दी। इस जीत के साथ ही KKR ने भी प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की कर ली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने हैदराबाद के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने उतरी हैदराबाद 8 विकेट पर 149 रन ही बना सकी। कोलकाता की तरफ से यूसुफ पठान ने तूफानी 52 रन बनाए। कोलकाता की जीत में फिरकी गेंदबाज सुनील नरेन ने कमाल दिखाया, 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। IPL सीजन 9 के प्लेऑफ में 4 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात लॉयंस के बीच क्वालिफायर मुकाबला होगा। कल बैंगलोर में पहला क्वालिफायर मुकाबला होगा, जबकि 25 मई को एलिमिनेटर राउंड होगा। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दौरे के लिए आज टीम इंडिया का सिलेक्शन किया जाएगा। मुंबई में करीब 12 बजे BCCI की बैठक में दोनों देशों के दौरे के लिए भारतीय टीम का चुनाव होगा। गुड़गांव में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने टोल कर्मी की जमकर पिटाई कर दी। करीब आधा दर्जन लोगों ने टोल प्लाजा के दफ्तर में गुंडागर्दी की। बताया जाता है कि एक ट्रक की RC चेक करने पर टोल कर्मी ने उसे फर्जी पाया। जब उसने ड्राइवर से एतराज जताया तो उसने फोन कर अपने गुर्गों को बुला लिया, फिर टोल कर्मी की धुनाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी है। कानपुर के DM को गुस्सा ज्यादा आता है। IPL मैच के दौरान ग्रीन पार्क स्टेडियम में किसी बात पर DM साहब आपा खो बैठे और एक शख्स को जोरदार तमाचा रसीद दिया। इतना ही नहीं, DM साहब उसे मारने दौड़े, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें रोक लिया। लड़के का कसूर बस इतना था कि वो बगैर पास के अंदर घुसाया था, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय DM साहब खुद ही टूट पड़े। दिल्ली में पुलिस सुस्त है और चोर चुस्त है। ताजा वाकया बिंदापुर इलाके का है, जहाँ चोरों ने आधी रात को एक बुलेट उड़ा ली। CCTV में कैद तस्वीरों में दो चोर रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल का ताला तोड़ बाइक लेकर चंपत हो गए। हालांकि चोरों ने वारदात से पहले अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया, लेकिन कैमरे की नजर से नहीं बच सके। पुलिस अब इनकी तलाश में लगी है। दिल्ली में लुटेरों ने एक ATM मशीन को लूटने की कोशिश की। लुटेरों ने ATM मशीन को तोड़ने की पूरी कोशिश की, हालांकि नाकाम रहे। लुटेरों ने ATM के गार्ड को पिस्तौल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में एक बार फिर कूलर गैंग सक्रिय है। ताजा मामला मंडावली का है, जहां एक शातिर चोर गिरोह ने कूलर के पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर एक घर का सारा माल ले उड़े। चोरों ने घर के लोगों को बेहोश कर दिया, फिर घर में घुसकर सारा कीमती सामान ले उड़े। अब पुलिस चोरों की तलाश में लगी है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में बदमाशों ने एक पुलिस अफसर के बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। CCTV में कैद तस्वीरों में एक होटल के मालिक की गुंडागर्दी सामने आई है। किसी बात पर लड़के और होटल वाले की कहा सुनी हुई। इस पर होटल के लड़कों ने पुलिस वाले के बेटे पर जमकर लात घुसे बरसाए। मामला पुलिस में आने पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में शबे बारात के मौके पर पटाखों से हुए धमाके में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला तब हुआ जब पटाखों के ढेर में चिंगारी जा पड़ी। खबरों के मुताबिक उलेमाओं ने लोगों से पटाखे न फोड़ने की अपील की थी। लोग पटाखों को इकट्ठा कर उसे नाले में फेंकने जा ही रहे थे कि उसमें धमाका हो गया। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। उन पटाखों की दुकान से पटाखे हटाए जा रहे थे और उसी हटाने के क्रम में वो पटाखा एक साथ स्लिप हो गया और गिर गया, उसी से ब्लास्ट हुआ। पंजाब के संगरूर में पुलिस पब्लिक भिड़ंत की तस्वीर सामने आई है। मामला भवानीगढ़ का है, जहां अदालत के आदेश के बाद मालिक को खेत की जमीन का कब्जा वापस दिलवाने पहुंची पुलिस को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा।
जमीन से गांव वालों को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने गांव वालों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस घटना में 5 लोग जख्मी हो गए। मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। घटना इसी महीने की 10 तारीख की है, जब एक कपल शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा था। पुलिस वालों ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। जब लड़का लड़की ने आवाज उठाई तो पुलिस वाले दादागिरी पर उतर आए और लड़की की पिटाई शुरू कर दी। लड़का बीच बचाव करने आया तो उस पर भी डंडों की बरसात कर दी। मामला आला पुलिस अफसर तक पहुंचा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन परिसर में इग्नाइटर मिलने से हड़कंप मच गया। एक बैग में पुलिस को 5 इग्नाइटर मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इग्नाइटर से डेटोनेटर में करंट जाता है, डेटोनेटर बम बनाने के काम आता है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुराग ढूंढ रही है। बिहार के छपरा स्टेशन पर लावारिस बैग में हथियार मिला है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रखे लावारिस बैग की सूचना लोगों ने जीआरपी को दी। जीआरपी ने बैग को कब्जे में लेकर जब उसे खोला तब उसके अंदर से 2 पिस्टल, 12 राउंड गोली, 2 मैगजीन, 1 चाकू और 1 मोबाइल मिला। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दिल्ली में बीती रात एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। घटना कैंट थाना इलाके की है, जहां सड़क पर दौड़ती एक बाइक सड़क पर फैले इंजन ऑयल से बेकाबू होकर दुर्घटना की शिकार हो गई। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी में से पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी अस्पताल में भर्ती है। गुजरात के जूनागढ़ में एक पुल ढह जाने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। जब पुल ढहा उस वक्त उस पर से एक बस गुजर रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। अचानक पुल ढहने से बस आधी हवा में लटक गई। बस में 25 लोग सवार थे, जिन्हें एक एक करके सुरक्षित निकाला गया। ये बस राज्य परिवहन निगम की थी। यूपी के मैनपुरी में एक समाजवादी पार्टी के नेता पर एक बुजुर्ग महिला की जमीन हथियाने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि नेताजी ने फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश की। नेशनल हाईवे 91 के किनारे होने से जमीन की कीमत ज्यादा है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन नेता पर हाथ डालने से हिचकिचा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया। लू लगने से यहाँ एक शख्स की मौत हो गई। आसमान से बरसते शोलों ने इंसान ही नहीं जानवर और परिंदों को भी परेशान कर दिया है। लोग प्रचंड गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके हैं और सड़कें सुनसान हैं। खरगोन में भी भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सूरज के सितम से शहर में सन्नाटा पसरा है। तापमान यहाँ 47.3 डिग्री दर्ज किया गया। गर्म हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों में ही कैद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक तापमान और बढ़ने की आशंका है। उत्तरकाशी में तेज आंधी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। आंधी से यहां कई मकानों की छतें उड़ गई। वहीं एक शख्स पर पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई। तूफान से कई पेड़ धराशायी हो गए, जिससे गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। बिजली की तारों पर पेड़ों के गिरने से सप्लाई ठप हो गई। दिल्ली के बवाना में एक प्लास्टिक कचरे के गोदाम में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक होने की वजह से गोदाम देखते देखते आग के शोलों में तब्दील हो गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में भी एक कचरे के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग ने पास खड़े एक टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते देखते टैंकर खाक हो गया। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों का माल स्वाहा हो गया। सूचना देने के बाद देर से पहुंची दमकल की गाड़ियों को गांव वालों ने खदेड़ दिया। राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली जैसलमेर दिल्ली इंटरसिटी की 3 बोगियों में आग लग गई। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगियों में आग से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड को 2 घंटे आग से जूझना पड़ा। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग की वजहों की जांच की जा रही है। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हैदराबाद के चिड़ियाघर में एक स्तनपायी शख्स शेर के बाड़े में घुस गया। अपने इलाके में घुस आए घुसपैठिए को तुरंत शेरों ने घेर लिया। शुक्र था कि यह शख्स पानी में था, इसलिए शेरों ने इस पर हमला नहीं किया। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद शेरों से उस शख्स को बचाया और बाहर निकाला। आज भारत और ईरान के बीच कई अहम और आर्थिक दस्तावेजों पर दस्तखत हो सकते हैं, जिसमें व्यापार और आपसी निवेश को बढ़ावा देने वाले समझौता शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति पर भी भारत का खास जोर होगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर ईरान पहुंचे। पहले तो पीएम ने भाई गंगा सिंह साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और सिख समुदाय से मिले। पीएम ने बच्चों के लिए भी थोड़ा वक्त निकाला और उनसे गपशप की। तेहरान पहुंचने पर मोदी ने कहा कि भारत और ईरान पुराने दोस्त रहे हैं और उनके इस दौरे से अब यह रिश्ता और गहरा और मजबूत होगा।
तमिलनाडु में जयललिता आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। जया के साथ आज उनके 28 मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी के कैंपस में तैयारियां पूरी हो गई हैं। जयललिता के शपथ ग्रहण समारोह के लिए डीएम के प्रमुख करुणानिधि और बेटे स्टालिन को भी न्योता भेजा गया है। ऐसी उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह में स्टालिन शामिल हो सकते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व आईपीएस किरण बेदी को पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें उपराज्यपाल नियुक्त किया। किरण बेदी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पार्टी का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी हार गई थी। कोलकाता में फिल्म स्टार और बीजेपी नेता रूपा गांगुली पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस हमले में रूपा गांगुली जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला उस वक्त हुआ जब वो घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखने डायमंड हार्बर जा रही थी। रास्ते में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रूपा की कार पर धावा बोल दिया। फिल्म स्टार शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए। इस मौके पर पापा और भैया के साथ बहन सुहाना भी थी। इस मौके की खास फोटो किंग खान ने अपने ट्वीट पर डाली। फोटो में शाहरुख ने आर्यन और सुहाना के बचपन की तस्वीर भी लगाई। मुंबई के चैरिटी कार्यक्रम में दिखे टाइगर श्रॉफ और अरमान मलिक। गायक स्वरूप खान भी मंच पर नजर आए। ये चैरिटी शो कैंसर पीड़ितों के लिए आयोजित किया गया था। टीवी आर्टिस्ट हुनर हेल का फोटोशूट हुआ। टीवी पर लोकप्रिय सीरियल घर घर की कहानी, अदालत और दहली जैसे सीरियल में रोल करने वाली हुनर की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया फोटोग्राफर लव इसरानी ने। इस फोटोशूट का मकसद छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की तरफ कदम बढ़ाना है।